मैं हूं आपके साथ शिप्रसैनी और आप देख रहे हैं दिल्ली नाइट प्राइम। देश में गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो गई है तो वहीं इसी बीच राजधानी दिल्ली की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। लेकिन इसी बीच आतंकियों के खिलाफ भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस और दिल्ली की स्पेशल सेल ने मिलकर दो संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर के शोपिया से गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि जो ये आतंकवादी हैं, ये देश के उत्तरी हिस्सों से हथियार खरीद रहे थे और जिसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के लिए किया जाता है। तो वहीं इसकी खबर 11 जनवरी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शोपिया पुलिस के साथ मिलकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और उसके बाद शोपिया से हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक जो आतंकवादी है वो नाबालिग बताया जा रहा है। तो वहीं दूसरे का नाम, जो कि पुलिस ने बताया है कि जो किफायतुल्ला बुखारी था, वो जो हिजबुल मुजाहिदीन का जो एरिया कमांडर है नाबिद बाबू, उसके संपर्क में था। वहीं आपको बता दें, जो नाबिद बाबू है वो 2017 में जम्मू कश्मीर पुलिस में था, लेकिन वो 2017 में ही पुलिस के चार हथियार लेकर फरार हो गया था, जिसके बाद वो हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया था। तो उसके संपर्क में ये किफायतुल्ला बुखारी था, जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और शोपिया पुलिस ने मिलकर गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस के मुताबिक वो पिछले कुछ दिनों से उन तमाम संदिग्धों को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है जो उत्तरी भारत से हथियार खरीद रहे हैं, जिसके चलते इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और हिजबुल मुजाहिदीन के दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल अपनी जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया है कि जो हिजबुल मुजाहिदीन के जो आतंकवादी हैं, जो संदिग्ध हैं, वो दिल्ली NCR में हथियार लेने के लिए पहुंचे हैं और जिसकी खबर जब पुलिस को मिली उसके बाद ये तमाम तरह की जो पुलिस ने जांच शुरू की और उसके बाद इन दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से एक पिस्टल और 14 गोलियां बरामद हुई हैं। और आपको बता दें, गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी तरीके से राजधानी दिल्ली में चल रही हैं, लेकिन इसी बीच जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और शोपिया पुलिस ने मिलकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है, दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने अपनी कस्टडी में उन्हें रख लिया है। और अधिक खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली नाइट्स।